रुक रुक के ना देख रुक रुक के रुक रुक के ना देख रुक रुक के देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। हम सोच रहे थे मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारा खाता में पैसा आया तो हम निकाल लिया। हमें ये है भिंड के हुकुम सिंह। इन्होंने भिंड के आलमपुर में स्थित SBI में एक खाता खुलवाया था। बैंक ने पासबुक भी दी लेकिन जो अकाउंट नंबर इनको अलॉट हुआ वो दूसरे हुकुम सिंह नाम के एक शख्स को भी अलॉट हो चुका था। लेकिन ये महाशय अपने अकाउंट में पैसे डालते तो थे नहीं, हाँ निकालने जरूर चले जाते थे। मामले का खुलासा हुआ तो हुकुम सिंह का तर्क सुन लीजिए। हुकुम सिंह कह रहे हैं कि इन्हें लगा कि मोदी जी इनके अकाउंट में पैसे जमा करा रहे थे इसलिए इन्होंने अपने अकाउंट में जमा पैसों को निकाल लिया। क्या है पूरा? सर हमारा ये खाता था, हमारा पैसा आया उसमें। हम सोच रहे थे मोदी जी हमको पैसा दे रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि हमारा खाता में पैसा आया तो हम निकाल लिया। हमें अब वो खाना वो हमारे पास पैसा नहीं था, हमारी मजबूरी थी, पैसा निकाला है हमने। हमको मजबूरी, घर में काम किया है हमने, इसलिए हमारा खाते में पैसा आया, हमने निकाल दिया है। अब जो अपने अकाउंट में पैसे जमा कर रहे थे उस हुकुम सिंह के बारे में भी जान लीजिए। ये अपना अकाउंट खुलवाने के बाद हरियाणा चले गए। हरियाणा में ये नौकरी करते थे और अपने अकाउंट में पैसे जमा करते थे। जब ये अपने गांव आए तो सोचा चलो अब पैसे निकालें, लेकिन जब पैसे निकालने ये बैंक पहुंचे तो पैसे ही गायब थे। अब बैंक वाले कह रहे हैं कि जल्द ही आपको पैसे दिला देंगे। यहाँ पे मैंने खाता खुलाया 16 में खुलाया था, जब से पैसा डालते रहे निकालते रहे कोई दिक्कत नहीं पड़ी। आखिर में पैसा जमा हुआ हमारा, फिर हमने प्लॉट लेने की सोची। जब पैसा निकाला तो पैसा वो में है ही करना, पहले ही निकाल लिया वो कहीं, और उसके बाद बस बैंक वाले कहते हैं दिवा देंगे। एक महीना होगा चक्कर काटते, अभी तक तो दिवाए नहीं। कितना पैसा निकल गया आपका? 89,000 रुपये। बताया जा रहा है कि बैंक अधिकारियों के दबाव के चलते पैसे निकालने वाले हुकुम सिंह ने भरोसा दिया है कि 3 किश्तों में पूरी रकम चुका देंगे। लेकिन इस मामले ने ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि जो भी सुन रहा है वो बैंक वालों को कोस रहा है। भिंड से हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।